आज जैसा कि बॉक्स में नीलामी कार्य बंद हुआ है मंडी के अंदर, तो जानकारी प्रदान करूंगा दोस्तों ब्लॉगिंग चैनल के माध्यम से कि बॉक्स में और नीचे में किस प्रकार का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों का सवाल था, आज काफ़ी इस प्रकार के सवाल हमें ब्लॉगिंग चैनल पर देखने को मिले हैं। जो किसान भाइयों की कुछ जानकारी थी, जो सुझाव थे, उस चैनल पर हमें मिले हैं, तो वहाँ की जानकारी को लेकर आपको उसके कुछ सजेशन से पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको इस वाले प्लेटफॉर्म में पूरी तरह से आपको देखने को मिले हैं, जैसा कि किसान भाई ने भी मंडी परिस्थिति नियमों का पूरी तरह से पालन किया है और अच्छी तरह से। किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मंडी प्रशासन ने जो नया रूल जारी किया है उसका भी पूरी तरह से किसान भाइयों ने बहुत तरह से उसका पालन किया है। तो दोस्तों उसको देखते हैं, मंडी में जिस प्रकार से रोजाना बॉक्स के अंदर नीलामी कार्य चल रहा था, तो मात्र 4 से 5 हज़ार कट्टे नीलामी कार्य हो रहा था मंडी में। पूरे दिन भर में 5 हज़ार कट्टे ही नीलामी कार्य पूरा हो पा रहा था। जिस प्रकार से बॉक्स लोट मंडी के अंदर थे तो काफ़ी भीड़ से हमें देखने को मिल रही थी नीलामी कार्य में, जो मैंने आपको बताया भी था। और दोस्तों उसके बाद में जब बॉक्स की नीलामी कार्य मंडी में बंद हुआ है, तो आज के दिन से बॉक्स नीलामी कार्य बंद हुआ है, तो पूरा शेड नीलामी कार्य हो चुका है दोस्तों आज का, जो कि काफ़ी फास्ट गति से नीलामी कार्य चला, मैंने आपको जानकारी दी थी। और इधर भी नीलामी कार्य ये भी पूरी तरह से हो चुका है, मात्र ऊपर के 2 शेड बचे हैं दोस्तों, मात्र ऊपर के 2 शेड जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, वो पगड़ी वाले बाबूजी जो बैठे हैं, वहाँ तक नीलामी कार्य पूरी तरह से हो चुका है। आपको देख रहे होंगे बाबूजी जो पगड़ी उनकी अलग ही देखने को मिल रही है, तो वहाँ तक लहसुन का नीलामी कार्य पूरा हो चुका है दोस्तों, जो कि मैं बाबूजी को आपको बता रहा हूँ, वहाँ तक नीलामी कार्य पूरा है। तो दोस्तों बॉक्स से आज कुछ नीलामी कार्य में सुविधा हमें देखने को मिली है कि बॉक्स बंद हुए, लेकिन दोस्तों क्वालिटी में और बिकने में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। अगर आपके पास में क्वालिटी होगी तो वो वैसे ही मंडी के अंदर बिकेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे बॉक्स में लाए चाहे आप ढेर करके नीलामी करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि किसान भाइयों का बहुत से सवाल थे कि बॉक्स के माल को अगर नीचे ढेर करके अगर नीलामी कार्य करवाया जाए तो किस प्रकार का डिफरेंस होता है। दोस्तों उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बस आपके माल की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए दोस्तों। जिस प्रकार के ढेर बिके भी हैं, ये इस प्रकार का आपको सामने भी देखने को मिलेगा, क्वालिटी है बॉक्स माल की, किसान भाई ने इस प्रकार के बॉक्स करके लग रखे हैं। आप मंडी में कैसे भी करके माल को लेके आइएगा, लेकिन मंडी के अंदर बॉक्स के अंदर नीलामी कार्य नहीं होगा। सारे ढेर आपको देखने को मिल ही रहे हैं आज, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी नीलामी कार्य आज हुआ नहीं है। और आगे भी जो भी किसान भाई आ रहे हैं मंडी के अंदर, आज भी मुझे ऊपर की साइड में कुछ बॉक्स लोड देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पहले ही सूचित कर देता हूं, ताकि होता है कि मंडी में जगह बाद में मिलती नहीं है, आप सभी किसान भाइयों को अपनी पूरी तरह से अच्छी और ज़बरदस्त क्वालिटी को माल को पूरी तरह से अच्छी खाली करने में। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने साथ में कुछ व्यवस्था करके आइएगा, ताकि अपनी क्वालिटी के माल को बीच में अगर कोई हल्का माल हो तो वो आपके पास में डिफरेंस में मिक्स ना हो। तो अगर आपके पास में क्वालिटी अगर बढ़िया है तो उस माल को अपनी व्यवस्था के साथ में आप लेप के आए, जिस प्रकार से कुछ किसान भाइयों ने